अगर आज के बाद में इसका कोई छप्पा पड़ा तो हाँ सब लिखते कि भाई ये ले आंदोलन ही शुरू होगा भाई टिकी रहेगी कोई बात नहीं हमने नहीं ठीक है जानना जरूरी है मैं एक प्रोग्राम बीच में छोड़कर बस इनके कारण आई थी ठीक है अच्छा तो मैं जी न्यूज़ से अच्छा ठीक है जी न्यूज़ खरीद का है एक बड़ा इशू चल रहा लोग खास करके उत्तर प्रदेश से कुछ जिलों के लोग हरियाणा धान बेचने जाते हैं उन पर कई दिन से रोका जा रहा और कल तो उन पर लाठीचार्ज भी हुआ ये बड़ी समस्या है जब तक MSP गारंटी कानून देश में नहीं बनेगा जो फसल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है देश के किसानों को लाभ नहीं मिल पाएगा। MSP पे भी बड़े व्यापारी जो हैं वो खरीद करते हैं आजकल, जैसे सस्ता धान खरीद लिया या फसल कोई भी मक्का है धान गेहूं कोई भी बाजरे और MSP पे फर्जी किसान बना के सरकार का कोटा पूरा करते हैं। ऐसे ही एक प्रकरण हमने रामपुर जिले के अधिकारियों को दिया था, उसमें करीब 11,000 फर्जी किसान बनाए गए जिन्होंने धान की खरीद की, फर्जी धान लेकर आए, किसान का रजिस्ट्रेशन हुआ। मंसूरी एक धान है रामपुर में, उसकी खरीद हुई, मंसूरी नाम का एक धान की वैरायटी है जो वहाँ पे पैदा ही नहीं होता और रामपुर के नाम से भी क्या, वो पैदा होता है बिहार मिर्जापुर उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पे, वो पूरी बेल्ट है वहाँ पे पैदा होता है। 800 से 1200 रुपए में उसकी खरीद होती है और यहाँ पे MSP के नाम पे बिकता है पूरा शाहजहाँपुर पीलीभीत मुरादाबाद रामपुर और फिर हरियाणा और पंजाब, तो वहाँ के किसान को लाभ नहीं मिलता और यहाँ के किसान को नहीं मिलता। बड़े व्यापारी इस में लगे हुए हैं। ऐसे ही मक्का का किसान बिहार में है, उसको करीब 6-7 हज़ार करोड़ का नुकसान है अकेले उसको। अगर वहाँ उनको रेट ठीक मिलेगा तो यहाँ पे भी फसलों के दाम ठीक मिलेंगे, तो उसी के लिए MSP गारंटी कानून चाहिए। यह हमारा बड़ा सवाल है। यहाँ पे ये गन्ने की बेल्ट है, गन्ना एक्ट कहता है कि 14 दिन में भुगतान होगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया कैंपेन हमारा चला हुआ है, हमने कहा कि हमारे किसानों को भी उससे जोड़ दो, डिजिटल इंडिया कैंपेन से जुड़ जाए। 14 दिन में क्यों भुगतान, अब जब देश डिजिटल हो गया तो हमारा किसान को भी कर दो। ये हमारा सवाल है कि हमने गन्ना डाला तो हमारा पेमेंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए, आजकल तो बैंकिंग सुविधा सब जगह हो रही है, ये हमारे सवाल है। और एक साल तक भुगतान नहीं होता, क्या एक साल तक सैलरी बगैर कोई रह सकता है? किसान अपने परिवारों को कैसे गुजारा करेगा? आपका मानना है कि इस सरकार में किसानों का शोषण हो रहा है? हाँ हो रहा जी, इस सरकार में ज़्यादा शोषण हो रहा है। शोषण तो पहले वाले में भी होता है लेकिन इस सरकार में ज़्यादा शोषण हो रहा है। अच्छा, आजम खान को सजा हुई, उसको लेकर क्या था? कोर्ट ने सजा कर दी। जो विरोधी होंगे सरकारों की नज़रों में, जिसको सरकार चाहेगी कोर्ट के माध्यम से उसको सजा हो जाएगी, क्योंकि चार्ज शीट वो उसी हिसाब से बनाई जाती है। क्या आजम खान ने बकरी चोरी करी? अगर सड़क पे उसके घर के बाहर कोई बकरी बंधी हुई, उसको कह दिया भाई इसको अंदर बांध ले, तो उस पर चोरी की रिपोर्ट कर दी, ईंट चुराने की रिपोर्ट उस पर कर दी, तो किस आदमी को सजा करवाने से किस पार्टी को वोट में फायदा होगा? देश में वही काम हो रहा है। अगर सेब आपने खाया होगा पिछले साल सब लोगों ने, कश्मीर से सेब को नुकसान करा, भारत सरकार ने उनको 18 दिन तक उनके ट्रक रोक के बॉर्डर पे, पिछले साल खाया होगा, सेब काटते थे तो अंदर से काला निकलता था,
बहुत लोगों ने खाया होगा ना, उससे पहले सेब काला निकला ना अब का निकल रहा, क्योंकि वो मुस्लिम समाज के लोग थे जो सेब का उत्पादन श्रीनगर में करते हैं, वो हमारी सेब की एक बड़ी वैली है। उनको 2000 करोड़ का नुकसान सीधा भारत सरकार ने दिया। क्या मुस्लिम होना इस देश में अपराध है कोई? क्या वे सारे हिजबुलद्दीन के वे हैं? क्या वे सब आतंकवादी है वहाँ पे? अब की बार वहाँ पे आवाज़ उठी तो अब की बार वहाँ का ठीक सिस्टम बना है। वे किसान हैं इसी देश के। अगर वो वैली ख़त्म होगी तो यहाँ सेब 500 रुपया किलो बिकेगा 2 साल में। 2024 में चुनाव है। हाँ है। और आपको लगता है कि जो गठबंधन इंडिया के नाम से है तो कितना फायदा रहेगा जितना आप बता रहे हैं उसके मुकाबले, या नुकसान रहेगा भाजपा में? पता नहीं हमें भाजपा कर, हम क्या किसी पार्टी के विरोध में या पक्ष में हम किसी का है, लेकिन इनके गठबंधन टूटेंगे। एक दूसरे के खिलाफ वे लोग बयान देंगे जिनकी पार्टनरशिप बीजेपी के नेताओं के साथ में है। इस तरह के नेता हैं कि उनको व्यापार ज़्यादा प्यारा है और अपनी पार्टी से कम लगाव उनको है। इस तरह के बहुत लोग हैं जो एक दूसरे के खिलाफ बयान देंगे। जैसे तो आप ढूंढ लेना किसने किसके खिलाफ दिए, उसकी डाटा मैं दूंगा, आप मेरे से पूरी डिटेल पूछोगे वो तो वे दे देंगे जिनको देना है। लेकिन देश में विपक्ष मजबूत रहना चाहिए। तो अगर विपक्ष नहीं है। विपक्ष मजबूत रहेगा तो देश में तानाशाहों का जन्म नहीं होगा। तो ये गठबंधन मजबूत नहीं लग रहा आपको? ये डर रहे, और जो नेता जेल से डरेगा तो फिर वो नेतागिरी कर ही नहीं सकता। आजकल के जो नेता हैं वो नेताओं के घर में पैदा हो रहे। पहले नेता जमीन पर पैदा होता था, आजकल जो नेता है वो नेता के घर में पैदा हो गए तो वो आंदोलन नहीं कर सकता। अगर कोई जमीनी नेता होगा तो आंदोलन करेगा, जेल भी जाएगा। आंदोलन तेज करने चाहिए। पॉलिटिक्स का मतलब है कि या तो सत्ता पे काबिज रहे, और अगर वो कुर्सी पे काबिज नहीं तो कुर्सी कम